So here we are going to study the freezing, okay? फ्रीजिंग भी एक इस तरह का ही प्रोसेस है जिस तरह हमारे पास सॉलिड से लिक्विड बनती है, तो लिक्विड से जब सॉलिड बनेगा दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस, जब बात सब्सटेंस की आती है ना तो उसका मतलब है कि फ्रीजिंग फ्रीजिंग हमारे पास मिक्सचर भी फ्रीज हो जाता है, ठीक है, लेकिन मिक्सचर का जो मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट होता है। कोई भी सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब इट कैन बी एनी प्योर थिंग, ठीक है, ये आपके पास या तो कोई एलिमेंट होगा या फिर कोई कंपाउंड होगा, ठीक है, या फिर यानी कि इसका फार्मूला होगा, केमिकल फार्मूला होगा या फिर सिंबल होगा। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एंड कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूलाज, ठीक है, तो सब्सटेंस का मतलब एनी प्योर थिंग। लेकिन जब कोई चीज़ आपस में फिजिकली मिक्स होती है दैन इट इज़ नॉट प्योर, सो इट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। सो इसलिए हम मैटर जब प्योर फॉर्म में होता है उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। सो इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। सॉलिड स्टेट सो व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट तो खैर नहीं है, ठीक है, चलें इसको देख लें कि वो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है फ्रीजिंग पॉइंट, चलें अब देख लें एफ पी। सो ये क्या होता है, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच, ठीक है, टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू द इनटू सॉलिड। अब इसमें ज़रा देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। इस तरह हमने इसकी वो हमने मेल्टिंग भी पढ़ी है, इस तरह ही अफेक्ट ऑफ कूलिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ दिस लिक्विड। ओके, अफेक्ट ऑफ कूलिंग डेफिनेटली विल हैव टू डिक्रीज इट्स टेम्परेचर, ठीक है, अफेक्ट ऑफ कूलिंग तो ऑन द लिक्विड पार्टिकल्स। व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ कूलिंग, तो इसमें ज़रा देखते हैं, हमारे पास ना ये थोड़ी सी कंडेंस होगी स्टेट ना, ठीक है, हमारे पास पहले वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर थे, ठीक है, तो अब ज़रा यहाँ पे हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल है ना दे आर फार अवे, नॉट दिस मच बट आई एम डिक्रीजिंग, ठीक है, थोड़े से एक दूसरे से दूर होते हैं, ठीक है, नॉट फार अवे बिकॉज दे आर एट डिस्टेंस, ओके, एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, तो ये इसके अंदर फासला ज़्यादा होता है, ठीक है, एंड दे कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द सब्सटेंस। सो व्हाट हैपन्स व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, सो एनर्जी इज गिवन आउट, ठीक है, जब डिक्रीज करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, ये गिवन आउट होगी, ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे के करीब आने शुरू हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगी और आपस में एक दूसरे को अरेंजमेंट अब अरेंज हो जाएंगे फिक्स पोजीशन के ऊपर, और जब फिक्स पोजीशन के ऊपर अरेंज हो जाएंगे तो इनके अंदर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होगी कम हो जाएगी, ठीक है, और ये सिर्फ वाइब्रेट कर सकेंगे, सो नाउ इट इज सॉलिड। सो इन द सेम वे एज आई टोल्ड फॉर द नाउ इट इज़ हेयर सॉलिड, तो स्टार्ट में क्या होगा, एनर्जी इज गिवन ऑफ, एनर्जी इसको हम कम करें, उसमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो ये कूलिंग कर्व है, तो कूलिंग कर्व में क्या करते हैं, इसको हम ठंडक में यानी कि उसका जो टेम्परेचर होता है उससे कम वाले टेम्परेचर में लेके जाते हैं, ठीक है, तो एनर्जी इज गिवन ऑफ, जैसे कि हम पानी को फ्रीजर के अंदर रखते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर वो वाटर है, लिक्विड है, लेकिन जब उसको अंदर हम फ्रीजर के अंदर रखते हैं तो उसको हम ठंडी वाले ठंडक वाले जगह पर लेके जा रहे हैं, तो ये कूलिंग प्रोसेस है, ठीक है, एनर्जी इज गिवन ऑफ, तो उसके अलावा उसके साथ क्या होगा, लूज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीजेस, जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, लेस मूवमेंट या लो मूवमेंट हो जाएगी, लो मोशन हो जाएगी ऑफ द पार्टिकल्स,
और स्टार्ट सेटलिंग, ये स्टार्ट सेटलिंग या एक जगह पे सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, इनटू फिक्स पोजीशन। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब स्टार्ट सेटलिंग फिक्स पोजीशन में हो जाएंगे तो दे विल हैव मैक्स लो काइनेटिक एनर्जी एंड मोर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा, इट विल बी वेस्टेड, इट विल बी सॉलिड स्टेट। ओके, और इस सॉलिड स्टेट के अंदर, इसके अंदर दे कैन ओनली वाइब्रेट, दे कैन दे विल बी एबल टू ओनली वाइब्रेट। सो नेक्स्ट स्टेट विल बी, दे विल बी सॉलिड। ओके, देखें, एनर्जी इज गिवन ऑफ, एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी भी कम होना शुरू हो जाएगी, उनकी मोशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब है कि मोशन कम होना, ठीक है, इट विल बी डिक्रीज, सो दे विल बी लो मोशन, और यू कैन से दे विल बी लीस्ट मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड। ओके, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड विल स्टार्ट सेटलिंग इन टू द फिक्स पोजिशन एंड इन दिस वे दे विल हैव द लो काइनेटिक एनर्जी एंड द मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अल्टीमेटली दे विल बी एबल टू ओनली वाइब्रेट बिकॉज दे आर ऑन द फिक्स पोजिशन, दे हैव बिन सेटल्ड, ठीक है, एक जगह पर सेटल हो गए हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डिवेल्प हो चुकी हैं, सो दे हैव गॉट देयर फिक्स पोजिशन, दे कैन ओनली वाइब्रेट एंड नाउ दे आर द सॉलिड। व्हेन एनीथिंग एनी सब्सटेंस विच हैज द पार्टिकल्स विच हैव बिन सेटल्ड एंड दे हैव देयर फिक्स पोजिशन एंड दे कैन ओनली वाइब्रेट, सो इट मीन्स दोज आर सॉलिड्स। ओके, तो अब उसके बाद हम इसकी ना हम कूलिंग कर्व पढ़ेंगे, ठीक है, कूलिंग कर्व ऑफ नेफ्थलीन पढ़ लेते हैं, ठीक है, कूलिंग कर्व ऑफ नेफ्थलीन। तो कूलिंग कर्व में ना ये टेम्परेचर कम करना है, ठीक है, हेयर इज द टेम्परेचर इंक्रीजिंग एंड हेयर इज द टाइम, सॉरी, इंक्रीजिंग, हेयर इज द टाइम इंक्रीजिंग। ओके, स्मॉल टी मीन्स टाइम एंड कैपिटल टी मीन्स टेम्परेचर। अच्छा, अब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे ना क्या है, लिक्विड है, तो हम इसमें टेम्परेचर कूलिंग कर रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो अब आपके पास यहाँ पे दिस इज, यू कैन से पी आर क्यू, दिस इज, सॉरी, दिस इज पी, दिस इज सपोज नेम्स, ओके, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस, हेयर इट इज द लिक्विड, फ्रॉम पी टू क्यू इज द लिक्विड। ओके, बट सिंस टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग द एनर्जी इज गिवन ऑफ। ओके, सो टेम्परेचर ड्रॉप्स ऑफ नेफ्थलीन, ओके, एंड रीचेज टू द क्यू, एट द क्यू हेयर इट स्टार्ट्स फ्रीजिंग। सॉरी, हेयर आई कैन राइट सेकेंड थिंग, ड्रॉप्स, सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, सो एट क्यू दिस थर्ड पॉइंट स्टार्ट्स फ्रीजिंग, इसमें कॉमन चीजें कुछ कि सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, और पांचवा है कि टेम्परेचर आपके पास क्या रहेगा, विल रिमेन कांस्टेंट। तो हम कहेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे है, हम तो कांस्टेंटली इसको कूल कर रहे हैं, जो इसमें हम इसको कूल कर रहे हैं, जो एक्सेसिव जो कूलिंग होगी, इट विल टू डिवेल द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक हो कर रहे थे हीटिंग कर्व के अंदर, ठीक है, ये कूलिंग कर्व है तो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होंगे, डिवेल्प होंगे, ठीक है। एक्सेसिव कूलिंग यानी कि जो लगातार हम कूलिंग कर रहे हैं, लगातार कूलिंग कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो जो एक्सेसिव कूलिंग कर रहे हैं वो उसका क्या प्रोसेस है, उसका क्या फंक्शन है। एक्सेसिव कूलिंग डिवेल्प्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को डेवलप करती है। सेवन्थ पॉइंट,
सो एट आर इट्स दिज को एग्जिस्ट एट द आर इट इज़ नाउ सॉलिड, हाउ इट इज सॉलिड, इट हैज़ बीन सेटल टू द फिक्स पोजिशन. एंड आर टू एस नाउ एट इट इज द इन द सॉलिड स्टेट. फिक्स पोजिशन एंड कैन वाइब्रेट, सॉरी कैन वाइब्रेट ओनली. पहले तो वो रैंडम मोशन थी ना, अब फिक्स पोजिशन पे आ गई हैं तो अब सिर्फ वाइब्रेट कर सकती हैं. सो इट मीन्स नाउ इट इज द इन द सॉलिड स्टेट. फ्रॉम क्यू टू आर दिस इज द सॉलिड स्टेट. हियर इज द डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ दिस सॉलिड. ओके नेक्स्ट इज आफ्टर फ्रीजिंग वी हैव बॉइलिंग. सो बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग इज अ प्रोसेस इन विच द लिक्विड कन्वर्ट्स टू द इन विच द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम द लिक्विड टू द गैस. Substance changes from liquid to solid. जैसे कि हम बॉयल करते हैं किसी चीज़ को, यानी कि हम वाटर बॉयल करते हैं, तो इट स्टार्ट्स बबलिंग. ठीक है, खोलना शुरू हो जाता है, बबलिंग स्टार्ट हो जाती है. दैट इज द इंडिकेशन दैट समथिंग इज बॉयलिंग. तो जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर. ठीक है ना, एक खास टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग स्टार्ट्स. अब इसमें जरा मैं कुछ सब्सटेंस बताता हूँ. ठीक है, एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंसेस एंड देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. वाट आर द सब्सटेंसेस? सब्सटेंस क्या है? ऑक्सीजन है. तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? -219. सॉरी, ये आपके पास क्या था? बॉइलिंग पॉइंट था क्या? 219 इसका था, सॉरी इसका मेल्टिंग पॉइंट था. बॉइलिंग पॉइंट क्या है? -183. 183. उसके बाद आपके पास है एथेनॉल, -114. उसके बाद आपके पास है आइस, सॉरी दिस इज नॉट आइस, वी कैन से दिस इज द वाटर. तो वाटर का 100 सेंटीग्रेड है बॉइलिंग पॉइंट इंटू सेंटीग्रेड. ओके, और इस तरह आयरन है, तो आयरन तो 1535 पे मेल्ट होती है, बॉइलिंग पॉइंट इसका और ज़्यादा है. ठीक है, तो हेयर वी कैन यूज़ दैट. अब इसमें होता क्या, प्रोसेस में क्या होता है इसमें, ये बॉइलिंग कर्व हम स्टडी करेंगे एज अ पार्टिकल ऑफ लिक्विड. इट इज इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग ऑन लिक्विड पार्टिकल्स. ठीक है, इफेक्ट ऑफ हीटिंग, सॉरी इफेक्ट ऑफ हीटिंग. वो खुद बहुत लिक्विड पार्टिकल्स को हीट करेंगे तो वो बॉयल ही हो जाएगा. ठीक है, सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. लिक्विड को हीट अप करेंगे तो वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? बॉयल होना. देखिए यहाँ पे भी रैंडम इसकी मूवमेंट है. ठीक है, लेकिन थ्रू द सब्सटेंस है क्योंकि लिक्विड है ना, लेकिन जो ही इसको हम हीटअप करते जाएंगे तो ये अब फार अवे हो गए, मोर स्पेस्ड हो गए, दे कैन मूव फ्रीली. दिस इज लिक्विड,
दिस इज गैस। सो व्हाट हैपन्स, इसमें सारी वही स्टेटमेंट है कि आपके पास हीट इज एब्जॉर्ब, ठीक है, इसमें आप हीट अप करते हैं, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा इसके अंदर, फिर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगी, मोशन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, उसके बाद क्या होगा, जब मोशन इंक्रीज हो जाती है तो जब मोशन इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की ज़्यादा होने के साथ इसकी मोशन ज़्यादा हो जाती है, और जब इसकी मोशन ज़्यादा हो जाती है तो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो ओवरकम होती है, यानी उसके ऊपर ओवरकम, उसको काबू पाया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक डाउन। डाउन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब ब्रेक डाउन हो जाती हैं तो फिर आपके पास क्या होता है कि पार्टिकल्स मूव फ्रीली, रैंडमली, एंड व्हेन दे कैन स्टार्ट मूविंग फ्रीली सो इट मींस नाउ दीज आर द गैसेस। ओके, नाउ इट हैज बिकम गैस। So this is all about the effect of heat on the cooling on the liquid particles. So it itself becomes, when the liquid particles are heated, so it definitely becomes gas. Okay, how it happens? Heat is provided. So उसकी वजह से kinetic energy ज़्यादा होगी, kinetic energy ज़्यादा होगी तो उसकी motion ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, पहले थ्रू आउट द सब्सटांस कर रहा था, अब वो इंटर उसके मोशन ज़्यादा हो गई है तो उसकी वजह से उसके अंदर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगी, जो लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती हैं वो मज़े ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएंगी और पार्टिकल्स आप रैंडमली मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, रैंडमली एंड फ्रीली। फ्रीली रैंडमली एंड नाउ इट इज इन गैस फॉर्म।